परीक्षा पास करने के बावजूद उनकी बहाली नहीं हो पूरी हो पा रही है, वो अभी भी रिजल्ट के इंतजार में, फाइनल रिजल्ट के इंतजार में, फाइनल रिजल्ट के इंतजार में अभी भी इंतजार में है और सरकार के विरुद्ध उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिविल कोर्ट क्लर्क के परीक्षार्थी और उनके जो उम्मीदवार हैं रिजल्ट आने के बावजूद भी सरकार के प्रति नाराजगी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी बहाली में धांधली लगातार होती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा देर होती जा रही है। लगातार कई महीनों से रिजल्ट के इंतजार के बावजूद उनके रिजल्ट को फाइनल तरीका से पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर छात्रों में बहुत ही ज़्यादा रोष है। आओ करते हैं हम इन लोगों से बातचीत, यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो सिविल कोर्ट, हाय हाय सिविल कोर्ट, हाय हाय। हम जानना चाह रहे हैं कि आपका जो ये रिजल्ट आया दो तीन में, आपने इससे पहले आंदोलन किया था, क्या अब तक सरकार ने किसी भी प्रकार का इसमें आगे का कोई कार्यवाही नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी है और सरकार अपने ही कानों में तेल डाल के बैठी हुई है और यहाँ छात्रों के भविष्य से पूर्ण रूपेण वो लोग खिलवाड़ करते जा रहे हैं। और हमने आज तीसरी बार ये आंदोलन निकाला है जिसमें कि अब आज देखता हूँ कि आज का उन लोग का क्या रवैया है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस कैंडल मार्च से सरकार जागेगी? हम अपना प्रयास कर रहे हैं और सरकार को हम लोग अपना वेदना प्रकट करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार कितने दिनों तक ढीठ बन के रहती है ये भी हमें देखना है। और हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और आमरण अनशन तक करेंगे जब तक कि हम लोग का परिणाम घोषित ना हो जाए, क्योंकि अगर इस तरीके का व्यवस्था अगर सरकार बनाई है तो उसको सुधारने का भी जिम्मेवारी हम ही छात्रों पर है, क्योंकि आज हमारी भविष्य अधर में लटकी है और आज हमारे इतने सारे युवा जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं और इस बेरोजगारी की वजह से हम लोग जो गलत कदम उठा लें तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सरकार को सोचनी होगी और इसके लिए हम लोग पूरा जोर प्रयास करेंगे। आप कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम हुआ सुमित प्रकाश और मैं इस बहाली प्रक्रिया के बारे में पर थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। फरवरी 2016 में, जहाँ तक कि आप लोग को पता है कि फरवरी 2016 में इसके सिविल कोर्ट में 1681 क्लर्क के बहाली के संबंधित एक ये नोटिफिकेशन भी दिया गया जिसमें कि एग्ज़ाम लिया गया प्री का 17 जुलाई 2016 को और मेंस का एग्ज़ाम एक डेढ़ साल के बाद 15 अक्टूबर 2017 में लिया गया। इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया जनवरी में, ऐसा इंटरव्यू जिसमें किसी से सवाल पूछा गया किसी से नहीं पूछा गया। तो दो महीने के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ना आ करके फिर एक नया इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी होता है, वो मई का बात, मई में वो भी इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। अब हम सोच रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा, लेकिन जब हम जा करके पता करते हैं सिविल कोर्ट में, बिहार के पटना सिविल कोर्ट में, तो वो लोग हमें कहते हैं कि कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, तो रिजल्ट अब एक साल में आएगा कि 50 साल में आएगा हम नहीं जानते हैं। हम यही पूछना चाहते हैं आपसे कि आप जो हमें डिजिटल इंडिया और पता नहीं कौन कौन इंडिया का सपना दिखाते हैं, आप लोग क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि 1947 के भारत को भी भूल गए हैं, हमारे बापू को भूल गए हैं, हमारे भगत सिंह को भूल गए हैं? आप लोग को शर्म भी नहीं आती कि इस देश का युवा दर दर भटक रहा है, इधर से उधर से धक्के खा रहा है, मीडिया के पास जाता है कि भाई हमारा आवाज़ बनो, उसके पास जाता है, इसके पास जाता है, लेकिन आप लोग को दया नहीं आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के पटना में जो अभी ये जो युवा जमा हुए हैं सिविल कोर्ट बहाली क्लर्क के जो कैंडिडेट हैं, इनमें काफ़ी रोष उत्पन्न होता जा रहा है, सरकार के प्रति नाराजगी इनके चेहरे पर साफ झलक रही है कि जिस तरीके से ये आज अभी तक तो हालांकि इन्होंने शांति प्रदर्शन ही किया है, पता नहीं आगे और भी क्या क्या करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। आगे आप लोग का क्या मतलब ये प्लानिंग है? इसके सर पहले तो इससे सरकार को जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि पहले रिजल्ट अगर जितना से जल्दी जल्द हो प्रकाशित कर दे, उसके बाद अगर नहीं करते तो हम लोग भूख हड़ताल करने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद भूख हड़ताल करने की भी प्लानिंग हो रही है, जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ के छात्रों में सिविल कोर्ट क्लर्क बहाली के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके अंदर ये जो रोष उत्पन्न हो रहा है वो काफ़ी दूर तक जाने का संभावना दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि भूख हड़ताल तक जाएंगे, आखिर कब तक सरकार भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? ये तो अब छात्र मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सरकार बंद करे, इसको लेकर
यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं और जानते हैं आगे इन लोग आप इसमें मामले में कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी ये जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो होता क्या है कि 3 महीने जब इंटरव्यू होता है उसके 3 महीने के भीतर उसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ये ऐसा प्रक्रिया कहीं किसी भी इंटरव्यू के बाद होता है, लेकिन इसमें 3 महीने के बाद हम लोग जब भी रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो फिर नया इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और कई कोई भी ऐसा आज तक वैकेंसी नहीं हो जिसमें 4-5 बार रिजल्ट जारी हो। ये ऐसा वैकेंसी जिसमें बार बार रिजल्ट दिया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, और बार बार इस पे केस इसी वजह से हो रहा है और सब लोगों का रिजल्ट पेंडिंग चला जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम रिजल्ट देरी हो रहा था, सब लोगों का मार्क्स डिक्लेयर किया जाए कितनों किसको कितना मार्क्स है। इसमें कोई भी पारदर्शिता अभी तक नहीं बरती गई है, जो भी होता अनियमितता बरती जा रही है, इससे हम लोग को लग रहा है कि अंदर कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे रिजल्ट के इंतजार के लिए छात्रों में जो रोष आप देख रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द आए। सरकार से इनका मांग है और सिविल कोर्ट जो प्रशासन है सिविल कोर्ट से भी इनका मांग है। इनका कहना है कि जहाँ पे सभी लोगों के इस मामलों को सुलझाया जाता है वहीं पे इनके मामलों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है उनके। जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि स्टे लगा हुआ है, कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, जब तक केसेस का निष्पादन नहीं हो जाता तब तक हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ये आप सोचिए, अब ये सर्वविदित है कि यह कोर्ट की बहाली प्रक्रिया है, सिविल कोर्ट उनके हाथ में, हाई कोर्ट उन्हीं के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, फिर भी पता नहीं ये केस का बहाना लेकर के हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं। आज मैं अंदर से इतना विदीर्ण महसूस कर रहा हूँ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या, मुझे सब कुछ देखना है, मुझे घर का दायित्व भी देखना है, मुझे बाहर भी एक स्टूडेंट बने रहना है, मुझे सब कुछ देखना है, मुझे टीम इंडिया बनना है, मुझे मेक इन इंडिया बनना है, मुझे डिजिटल इंडिया बनना है, मुझे कौन कौन सी इंडिया बनना है ये आप जानते हैं, लेकिन मैं इसको इस तक कैसे पहुँचूँगा, मैं उसका माध्यम क्या हो, मेरा भविष्य कैसे उज्ज्वल हो, उसको भी तो कोई सोचने वाला हो, मैं ये कहना चाहूँगा। और कि कोर्ट की प्रक्रिया में एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस नाम की चीज होती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट किसी भी प्रॉब्लम का खुद संज्ञान ले। तो मैं चाहूँगा और मैं प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और पटना हाईकोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं और कन्वीनर जो हैं हमारे, उनसे भी एक निवेदन करूँगा कि आप इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, संज्ञान लें और इस पर कुछ कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करें, जिससे कि हमें न्यायपालिका में हमेशा ही विश्वास बना रहे। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, आपने देखा इनका कहना है कि ये डिजिटल इंडिया का भी हिस्सा बनेंगे, मेक इन इंडिया का भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं उनको वो मिलना चाहिए। आखिर इन्होंने, आप जैसा कि देख सकते हैं इनकी बातों से लग गया कि ये भारत के भविष्य, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है और इनका जो भविष्य कहीं ना कहीं अंधेरे में जाता जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि कल द हिंदू अखबार में हमारे CJI जो हैं उन्होंने ये कहा था कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या जितने भी तमाम कोर्ट हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सुधारेंगे, उनको नए सिरे से बनाएंगे और उनमें रिनोवेशन करके उनको अच्छा करेंगे। तो ये बताइए कि कोर्ट के आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की ध्यान रख रहे हैं और छात्रों के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान किसी को नहीं है कि हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं इनका भविष्य जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। आज हम लोग जो दर दर भटक रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग को समय से अगर नौकरी मिल गई होती तो आज हम लोग दर दर भटकने की बजाय देश के प्रगति की सीढ़ियाँ हम लोग बन रहे होते और उसके लिए काम कर रहे होते। बताइए 7,000 छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है और ये CJI को बिल्कुल नहीं दिख रही है और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिख रही है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, बात है कि सर 7,000 लड़का को इंटरव्यू लिया गया और 1681 सीट है ये तो मजाक बना कर रख दिया है। न्यायपालिका जो इसको सुधार कर रिजल्ट को तत्काल इसको जारी करना चाहिए, लेकिन 7,000 लड़का को रोड पर लाकर मजाक बनाकर रख दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन जारी है। हम मिलते हैं फिर एक बार, फिर से मिलेंगे, इनका प्रदर्शन दिखाते रहेंगे। मैं प्रियांक से बिहार.news से, धन्यवाद।